गुड नून स्टूडेंट्स, मैम। हाँ लक्ष्य मैम, वन पीएम से तो वो था, कंप्यूटर का एग्जाम था। नहीं बेटा, कंप्यूटर का एग्जाम आपका हो चुका ना? कंप्यूटर का भी नहीं हुआ मैम, क्लास सेवेंथ का हो गया। कब हुआ? सेकंड वाली क्लास में। मैम तो बोली थी 1 बजे से होगा। हाँ तो सर ने क्या नहीं ले लिया तो क्या करे, तो हमको तो पता भी नहीं था आपको कैसे होगा। अभी क्लासेस अटेंड करनी चाहिए ना? नो मैम, अभी हमको मैम बताई थी कि 1 बजे से होगा। कौन सी मैम आपको बताई थी? जाता मैम। जाता मैम ने कहा था कि शायद 1 बजे वाली में होगा। उन्होंने बोला था शायद, तो आप इसीलिए उस टाइम की जगह जब आपकी सेकंड क्लास होती है तब नहीं आए, बल्कि कब आए? थर्ड क्लास में आए। तो एग्जाम छूट गया ना, अब स्कूल में बात करिएगा इस चीज के लिए। यस मैम, अभी जा रहे हैं। चलिए अब नेक्स्ट आता है हमारा चैप्टर 17, तो जिसको हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है? तो अब हम चैप्टर 17 को कंटिन्यू करते हैं। अब चैप्टर 17 में हम लोग को पढ़ना था एक्टिविटी 17.3। अब 17.3 एक्टिविटी में हमको क्या बताया गया उसको हम लोग देखते हैं। डिग अ स्मॉल पिट। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्मॉल पिट बनाते हैं। पुट वेजिटेबल वेस्ट एंड लीव्स इन इट। उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, वेजिटेबल वेस्ट डाल देते हैं या फिर उसमें लीव्स डाल देते हैं। कवर देम विद सॉइल, और उसको किससे कवर करते हैं, सॉइल से कवर कर देते हैं। एड सम वॉटर, उसमें क्या एड कर देते हैं, कुछ वॉटर एड कर देते हैं। आफ्टर 3 डेज रिमूव द अपर लेयर ऑफ द सॉइल, और 3 डेज के बाद में हम लोग क्या करते हैं, सॉइल की अपर लेयर को रिमूव कर देते हैं। डज द पिट फील वार्म इनसाइड, क्या वो जो हमारा पिट है वो हमको अंदर से वार्म फील होता है? पहेली आज दिन पहेली पूछती है, देयर आर सो मैनी ट्रीज हियर। अब यहाँ पे कितनी सारी ट्रीज हैं? ऑल्सो देयर आर मैनी फॉरेस्ट लाइक दिस, और उसके साथ साथ से बहुत सारे फॉरेस्ट हैं इसकी तरह। वॉट डिफरेंस विल इट मेक इफ वी कट सम ट्रीज फॉर अ फैक्ट्री, अगर क्या डिफरेंस होगा अगर हम कुछ पेड़ों को कट कर दें और वहां पे फैक्ट्रीज बना दे तो। देन प्रोफेसर अहमद से, तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं, यू हैव रीड अबाउट ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स एंड सेप्रोट्रॉप्स, क्या तुमने ऑटोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉप्स और सेप्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा है? यू हैव लर्न हाउ ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस, तुमने ये भी सीखा है, पढ़ा है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना फूड बनाते हैं। All animals, whether herbivorous or carnivorous, depend ultimately on plants for food. चाहे कोई भी एनिमल हो, चाहे वो herbivorous हो चाहे वो carnivorous, वो किस पे डिपेंड रहता है, वो प्लांट्स पे ही डिपेंड रहता है अपने फूड के लिए। ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन प्लांट ऑफ्टन ईट ग्रीन बाय अदर ऑफ्टन गेट ईटन बाय अदर ऑर्गेनिजम्स एंड सो ऑन। अब जो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ग्रीन प्लांट को ईट करते हैं, उन एनिमल्स को दूसरे एनिमल्स ईट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट, अब इंसेक्ट क्या करते हैं, ग्रास को ईट करती है। विच इज टर्न इज टेकन बाय द फ्रॉग, और उस इंसेक्ट को कौन ईट कर लेता है, फ्रॉग ईट कर लेता है। द फ्रॉग इज कंज्यूम्ड बाय स्नेक, और उस फ्रॉग को कौन कंज्यूम कर लेता है, स्नेक कंज्यूम कर लेता है। This is said to form a food chain. और इसी से हमारी क्या बनती है, इसी से हमारी food chain का formation होता है।
अब फूड चेन हमारा क्या बना? ग्रास, इंसेक्ट, फ्रॉग, स्नेक एंड ईगल. मैनी फूड चेन कैन बी फाउंड इन द फॉरेस्ट. अब बहुत सारे फूड चेन हैं जो हमें कहाँ मिल सकते हैं? फॉरेस्ट में मिल सकते हैं. All food chain are linked. जितने भी food chain है सब क्या है? एक दूसरे से link है. If any one food chain is disturbed, it affects other food chain. अगर कोई भी एक food chain क्या हुआ? Disturb हुआ, तो जो बाकी के दूसरे food chain है उनको disturb कर देगा. Every part of the forest is depend on the other parts. तो सिमिलरली तो फॉरेस्ट के जितने भी पार्ट्स हैं सब क्या है? दूसरे पार्ट्स से डिपेंड है. इफ वी रिमूव वन कंपोनेंट से ट्रीज, ऑल अदर कंपोनेंट्स विल बी अफेक्टेड. अगर हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट का एक कंपोनेंट रिमूव कर देंगे तो बाकी के जितने भी कंपोनेंट्स हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रिमूव हो जाएंगे. Professor Ahmed asked children to pick up leaves from the forest floor and observe them under a hand lens. अब Professor Ahmed children से बोलते हैं कि वो क्या करें? Forest floor पे जो leaves हैं उनको pick up करें और क्या करें? Hand lens के through observe करें. They found tiny mushrooms over the decaying leaves. और जो डिकेइंग लीव्स है उन डिकेइंग लीव्स पर उनको क्या मिलेगा? छोटे छोटे मशरूम्स देखने को मिलेंगे. दे ऑल्सो सो एन आर्मी ऑफ टाइनी इंसेक्ट्स मिलिपेड्स एंट्स एंड बीटल ऑन देम. उनको मशरूम्स के अलावा टाइनी इंसेक्ट्स की आर्मी दिखी, मिलिपेड्स दिखे, एंट्स दिखी, बीटल्स दिखे. They were wondering how these organisms lived there. और वो सब इस बात को सोच रहे थे कि ये जितने भी organisms हैं ये सब यहाँ पे कैसे रहते हैं. Professor Ahmed explained that part of these animals which are easily seen. तो Professor Ahmed explain करते हैं कि animals की वो part है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं? Easily देख सकते हैं. There are several organisms and microorganisms that live in the soil. In ke alawa bhi aise bahut sare organisms hain jo kahan rehte hain? Soil mein rehte hain. Paheli wondered what mushroom and other microorganisms eat. To paheli sochti hai ki jo mushroom hai aur jo baaki ke dusre microorganisms hain wo kya eat karte hain. Professor Ahmed replied that they feed upon the dead plants and animal tissues and convert them into a dark colored substance called humus. तो ये बताते हैं, Professor Ahmed बताते हैं कि जो ये जो होते हैं मशरूम्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये क्या करते हैं? जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल टिश्यूज होते हैं, उन पे ग्रो करते हैं और उनको क्या कर देते हैं? एक डार्क कलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं जिसको हम लोग ह्यूमस बोलते हैं. यू हैव लर्न अबाउट ह्यूमस इन चैप्टर 9. तो ह्यूमस के बारे में हम लोगों ने चैप्टर 9 में पढ़ चुका है कि ह्यूमस क्या होता है. In which layer of the soil will you find humus? और soil की किस layer में हम लोग humus को find करेंगे? What is its importance of the soil? और soil में humus की क्या importance है? The microorganisms which can convert the dead plants and animals to humus are known as decomposers. वो microorganisms जो क्या करते हैं? Dead plants और animals को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं डीकम्पोजर्स. दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द फॉरेस्ट. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये क्या करते हैं? फॉरेस्ट में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं.
Soon Paheli removed some dead leaves and discovered under them a layer of forest humus or forest floor. तो पहेली क्या करती है? पहेली इन डेड लीव्स को रिमूव करती है और वो क्या करती है, जो फॉरेस्ट फ्लोर की लेयर है इस वाले, उसको नोटिस करती है. द प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस इंश्योर दैट द न्यूट्रिशन ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रिलीज इन द सॉइल. जब उसने फॉरेस्ट फ्लोर को नोटिस करा तो वो क्या हो गया, इंश्योर हो गई कि जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उनका जो ह्यूमस है, जो रिमेनिंग है, वो क्या है, फॉरेस्ट फ्लोर पे ह्यूमस के फॉर्म में रिलीज्ड है. फ्रॉम देयर दीज न्यूट्रिशंस आर अगेन ऑब्जर्व बाय द रूट्स ऑफ द लिविंग प्लांट्स. और फिर से क्या होता है, ये सारे न्यूट्रिशंस प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं उसके थ्रू ऑब्जर्व हो जाते हैं. What happen if an animal dies in the forest? तो ये था, हमने पढ़ा था प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स कैसे डिकम्पोज हो जाते हैं. अगर क्या होगा, फॉरेस्ट में कोई एनिमल की डेथ हो जाए फिर क्या होगा? शीला asked, टीबू replied, the dead animals become food for vultures, crows, jackals and insects. तो शीला ने जब इस बात को पूछा तो टीबू बताता है कि जो डेड एनिमल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो फूड बन जाते हैं. किसका फूड बन जाते हैं? वल्चर्स का, क्रोस का, जेक्वर्स का, इंसेक्ट्स का. इन दिस वे द न्यूट्रिशन आर साइक्लिक. और इसी तरीके से क्या होता है, जो न्यूट्रिशन होता है वो चलता रहता है. सो नथिंग गोज वेस्ट इन द फॉरेस्ट. तो फॉरेस्ट में जो कुछ भी चीज प्रेजेंट है वो वेस्ट नहीं होती है. पहली रिमेम्बर्ड प्रोफेसर अहमद हैड ही दैट ही हैड नॉट एक्सप्लेन हाउ फॉरेस्ट आर कॉल्ड ग्रीन लग्स. देन पहली को याद आता है कि प्रोफेसर अहमद ने उनको एक्सप्लेन नहीं करा कि फॉरेस्ट को हम लोग ग्रीन लग्स के नाम से क्यों जानते हैं. Professor Hemant explained that plants release oxygen through the process of photosynthesis. So, Professor Hemant explain करते हैं कि जो plants हैं वो क्या करते हैं, जब भी वो photosynthesis का performance कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, oxygen को release करते हैं. The plants help to provide oxygen for animals' respiration. तो जो plants होते हैं वो क्या करते हैं, एनिमल्स को रिस्पायर करने के लिए ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं. दे ऑल्सो मेंटेन द बैलेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर. और इवन जो प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का बैलेंस बनाते हैं एटमॉस्फेयर में. दैट इज वाई फॉरेस्ट आर कॉल्ड लंग्स. इसीलिए फॉरेस्ट को लंग्स बोला जाता है. द चिल्ड्रन सॉ क्लाउड्स फॉर्मिंग इन द स्काई. तो बच्चों ने देखा कि क्या हो रहा था, स्काई में क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा था. बूजो रिकॉल्ड व्हाट ही हैड लर्न्ड अबाउट द वाटर साइकिल इन क्लास. देन बूजो को याद आता है कि उसने क्लास सिक्स में वाटर साइकिल के बारे में क्या पढ़ा था. ट्रीज टेक इन वाटर फ्रॉम their root and release water vapor into the air through evaporation. तो बुजों को याद आता है कि जो trees है वो क्या करते हैं, वाटर अब्सॉर्ब करते हैं रूट के थ्रू और फिर उसको क्या करते हैं, इवेपोरेशन के थ्रू वाटर वेपर को रिलीज कर देते हैं. इफ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी अफेक्ट. अगर फ्यूअर ट्रीज होंगे तो वाटर साइकिल किस तरीके से अफेक्ट होगा.
Tibu told them that the forest is not just home of plants and animals. So, Tibu बताता है कि जो forest है वो सिर्फ और सिर्फ plants and animals का नहीं है. Many people also live in the forest. उसके साथ साथ बहुत सारे peoples भी हैं जो forest में रहते हैं. Some of them may belong to different tribes. उसमें से बहुत सारे क्या है अलग अलग ट्राइब्स से डिपेंड करते हैं. ट्राइब्स मतलब होता है बंजारे. ठीक है. Tibu explained that these people depend mostly on the forest. तो Tibu ने बताया कि जो ट्राइब्स है ये मोस्टली फॉरेस्ट पे ही डिपेंड रहते हैं. मीन्स इनका रहना खाना सब फॉरेस्ट से ही इनको मिलता है. द फॉरेस्ट प्रोवाइड देम विद फूड शेल्टर वाटर एंड मेडिसिन. फॉरेस्ट से इनको क्या मिलते हैं फूड मिलता है शेल्टर मिलता है वाटर मिलता है इवन मेडिसिन भी इनको फॉरेस्ट से ही मिलती है. दे हैव ट्रेडिशनल नॉलेज अबाउट मेनी मेडिकल प्लांट्स इन द फॉरेस्ट. और इन ट्राइब्स को क्या है फॉरेस्ट में जो प्लांट्स हैं उनके मेडिकल नॉलेज भी हैं जो पुराने टाइम से मेडिकल नॉलेज चली आ रही है जनरेशन टू जनरेशन पास आउट हो रही है. तो इन सबको उन मेडिकल प्लांट्स की नॉलेज है. व्हाइल बूजो वाज ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम अ स्मॉल स्ट्रीम. अब बूजो क्या कर रहा था एक छोटे से स्ट्रीम से पानी पी रहा था. ही सॉ सम डियर क्रॉसिंग द स्ट्रीम. तो उसने वहां पे देखा कि कुछ डियर्स थे वो क्या कर रहे थे उस स्ट्रीम को क्रॉस कर रहे थे. They disappearing and they disappeared into the bush. Bushes. और वो जो deers है वो क्या हो गए उन bushes में disappear हो गए. The dense bushes and the tall grass provide animals with the food and shelter. तो ये जो dense bushes and tall grasses है ये क्या करती है animals को food and shelter provide करती है. They also protect them from carnivores that live in the forest. Even ये जो bushes and grasses हैं tall grasses ये इन सभी animals को के जो carnivores हैं उनसे भी protect करती हैं जो forest में रहते हैं. Tibu then started looking closely at the forest floor. तो उसके बाद में जो Tibu है वो क्या करता है फॉरेस्ट फ्लोर को क्लोजली ऑब्जर्व करता है. सून ही कॉल एंड शोड द चिल्ड्रन ड्रॉपिंग ऑफ सम एनिमल्स. और तभी वो क्या करता है सभी बच्चों को बुलाता है और कुछ एनिमल्स के जो ड्रॉपिंग्स हैं उनको शो करता है. एंड एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रॉपिंग. और क्या करता है जो ड्रॉपिंग में जो डिफरेंस है उसको एक्सप्लेन करता है. मीन्स जो एनिमल्स के जो एक्सक्रीट है उसको बताता है. प्रोफेसर अहमद इन्फॉर्म दैट द फॉरेस्ट ऑफिसर्स कुड रिकॉग्नाइज द प्रेजेंस ऑफ सम एनिमल्स इन द फॉरेस्ट बाय देयर ड्रॉपिंग एंड फुटप्रिंट्स. देन प्रोफेसर अहमद उनको ये बताते हैं कि जो फॉरेस्ट ऑफिसर्स होते हैं वो इन एनिमल्स ड्रॉपिंग्स और उनके फुटप्रिंट से ही क्या करते हैं पता लगा पाते हैं कि कौन सा एनिमल है और वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है. बूजो कॉल एवरीवन एंड शोड देम अ लार्ज डिकेइंग हिप ऑफ एनिमल ड्रॉपिंग. देन बूजो क्या करता है सभी को बुलाता है और सबको क्या करता है एक लार्ज डिकेइंग हिप दिखाता है एनिमल ड्रॉपिंग मतलब कि जो एनिमल की जो ड्रॉपिंग है वो दिखाता है. सेवरल बीटल्स एंड गर्ब्स वर फीडिंग ऑन द हिप एंड अ बंच ऑफ सीडलिंग वॉज स्प्राउटिंग. तो उसमें से क्या था उस ड्रॉपिंग में बहुत सारे बीटल्स थे गर्ब्स फीड कर रहे थे उस हिप में और क्या हो रहे थे कुछ सीडलिंग स्प्राउट हो रहे थे मींस कुछ सीड्स स्प्राउट हो गए थे. दी सीडलिंग्स आर ऑफ द हर्ब्स एंड शर्ब्स. तो वो जो सीडलिंग है वो क्या है वो हर्ब्स एंड शर्ब्स है. द एनिमल्स आल्सो डिस्पर्स द सीड ऑफ सर्टेन प्लांट्स एंड हेल्प द फॉरेस्ट टू ग्रो
एंड रीजनरेट। जो एनिमल्स होते हैं वो भी क्या करते हैं, प्लांट्स को मतलब कि सीड्स को हेल्प करते हैं डिस्पर्स होने में, जिससे क्या होता है फॉरेस्ट प्लांट, जो फॉरेस्ट में जितने भी प्लांट्स हैं वो ग्रो कर होते रहते हैं और रीजनरेट होते रहते हैं। द डिकेइंग एनिमल्स डग ऑल्सो प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द सीडलिंग टू ग्रो, सेड प्रोफेसर अहमद। तो प्रोफेसर अहमद बोलते हैं कि जो डिकेइंग एनिमल्स के जो डग्स हैं वो भी क्या करते हैं, सीडलिंग को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो क्या होता है इजिली ग्रो कर पाता है विद ऑल द न्यूट्रिशन। आफ्टर लिसनिंग टू दिस भूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, तो इन सब बातों को सुनने के बाद में भूजो अपनी नोटबुक में नोट करता है, बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस। क्या नोट करता है, जब बाय हार्बरिंग ग्रेटर वेराइटी ऑफ प्लांट्स, जब क्या होते हैं प्लांट्स की ग्रेटर वराइटीज को हार्बर किया जाता है, द फॉरेस्ट प्रोवाइड ग्रेटर अपॉर्चुनिटी फॉर फूड एंड हैबिटेट फॉर द हर्बीवोरस। जो फॉरेस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, जो हर्बीवोरस होते हैं उनको ग्रेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है, किसका, किसके लिए, फूड के लिए और हैबिटेट के लिए, मीन्स रहने के लिए। Larger number of herbivores means increased availability of food for a variety of carnivores. जितने ज्यादा herbivores animals present होंगे उतनी ही ज्यादा उसमें क्या मिल जाएगी, carnivores animals की variety देखने को मिल जाएगी। The wide variety of animals help the forest to degenerate and grow. जितने ज्यादा animals की variety होगी फॉरेस्ट को, फॉरेस्ट जो है इतना ही रीजनरेट होगा और ग्रो करेगा। डिकम्पोजर्स हेल्प इन मेंटेनिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स टू द ग्रोइंग प्लांट इन द फॉरेस्ट। डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, जो न्यूट्रिशन सप्लाई होता है ग्रोइंग प्लांट्स में उसमें उसको मेंटेन करते हैं। देयरफॉर द फॉरेस्ट इज अ डायनामिक लिविंग एंटिटी फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी। तो हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो क्या है, एक डायनामिक लिविंग एंटिटी है जो क्या है कंप्लीटली फुल ऑफ लाइफ है और डाइवर्सिटी से भरा हुआ है। इट वॉज अबाउट आफ्टरनून एंड द चिल्ड्रन वॉन्टेड टू गो बैक। अब क्या हो चुकी थी, अब शाम हो चुकी थी और सभी बच्चे क्या करना चाहते थे, वापस जाना चाहते थे। टीबो सजेस्टेड Another route for going back. तो तीबू क्या करते हैं, उनको एक रास्ता बताता है वापस जाने का। While they were going back, it started raining. और जब वो लोग वापस जा रहे थे क्या हो गई, बारिश होना स्टार्ट हो गया। However, surprisingly, they saw that the raindrops were not hitting the forest floor directly. अब वो क्या हो गए, एकदम सरप्राइज हो गए कि जो रेन ड्रॉप्स हैं वो डायरेक्टली फॉरेस्ट फ्लोर को हिट नहीं कर रहे हैं। द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द फॉरेस्ट कैनोपी इंटरप्टेड द फ्लो ऑफ रेन ड्रॉप्स। जो फॉरेस्ट के जो अपर लेयर है, जो अपर मोस्ट लेयर है कैनोपी, वो क्या कर रही है, रेन ड्रॉप्स को इंटरप्ट कर दे रही है। एंड मोस्ट ऑफ द वॉटर वॉज कमिंग डाउन थ्रू द ब्रांचेस एंड द स्टेम ऑफ द ट्रीज। और जो मोस्टली वॉटर है वो किसके थ्रू नीचे आ रहा है, ट्रीज के ब्रांचेस और स्टेम्स के थ्रू नीचे आ रहा है। फ्रॉम द लीव इट वॉज ड्रिपिंग स्लोली ओवर ब्रांचेस ऑफ द शर्ब्स एंड हर्ब्स। और लीव्स के थ्रू वो क्या हो रहे हैं, जो ब्रांचेस हैं ओवर ब्रांचेस, जैसे शर्ब्स और हर्ब्स की जो ओवर ब्रांचेस हैं उस पर ड्रिप हो रहे हैं। They found that the ground was still dry. और उनको ये दिख रहा है कि जो ग्राउंड है वो अभी भी क्या है, ड्राई है। After about half an hour, the rain stopped. Means half an hour बाद जो रेन था वो क्या हो गया, स्टॉप हो गई। They noticed that the layer of dead leaves over the forest floors appeared wet now. तो उन्होंने ये नोटिस करा कि जो फॉरेस्ट फ्लोर पे जो डेड लीव्स की जो लेयर्स थी वो अब क्या हो चुकी है, वेट हो चुकी है। बट वॉटर डिड नॉट
stagnated in the forest, पर जो water वो forest में stagnated नहीं हुआ. Bojo thought that if it had rained so heavily in his town, it would have flooded and drained the forest, drained the road. Then Bojo सोचता है कि अगर फॉरेस्ट अगर यही ऐसी हैवी रेन उसके टाउन में हुई होती तो अब तक क्या हो चुका था, जितने भी ड्रेन से रोड से सब क्या हो चुके होते, फ्लडेड हो चुके होते. व्हाट विल हैपन इफ इट रेन हैवीली इन योर टाउन, अगर आपके टाउन में बहुत ज्यादा हैवी रेन हो जाएगी तो उसका क्या इफेक्ट होगा. प्रोफेसर अहमद टोल्ड told them that the forest also act as a natural absorber of rainwater and allow it to sit. अब प्रोफेसर अहमद उनको ये एक्सप्लेन करते हैं कि जो फॉरेस्ट है वो क्या है, एक नेचुरल अब्सॉर्बर का वर्क करता है जिसमें क्या होता है, जो रेन वाटर होता है वो कम्प्लीटली ग्राउंड में सिप हो जाता है. इट हेल्प मेंटेन द वाटर टेबल थ्रू आउट द ईयर, ये क्या करता है पूरे साल जो वाटर टेबल होता है उसको मेंटेन करने में हेल्प करता है. फॉरेस्ट नॉट ओनली हेल्प इन कंट्रोलिंग फ्लड बट आल्सो हेल्प मेंटेन द फ्लो ऑफ वाटर इन द स्ट्रीम्स सो दैट वी गेट अ स्टेडी सप्लाई ऑफ वाटर. जो फॉरेस्ट होते हैं वो सिर्फ फ्लड को ही नहीं कंट्रोल करते हैं बल्कि स्ट्रीम्स में जो वाटर का फ्लो होता है उसको भी वो क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, जिससे क्या होता है हमें एक स्टेडी सप्लाई मिल जाती है वाटर की. ऑन द अदर हैंड देयर आर नॉट प्रेजेंट, अगर ट्रीज प्रेजेंट नहीं होंगी, रेन हिट द ग्राउंड डायरेक्टली एंड मे फ्लड द एरिया अराउंड इट, तो जो रेन होगी वो क्या करेगी, डायरेक्टली ग्राउंड को हिट करेगी और क्या होगा, जो भी एरिया है वो कम्प्लीटली क्या हो जाएगा, वो कम्प्लीटली फ्लड से फिल हो जाएगा. हैवी रेन में ऑल्सो डैमेज द सॉइल, अगर बहुत ज्यादा हैवी रेन होगी तो वो क्या करेगी, सॉइल को भी डैमेज कर देगी. रूट्स ऑफ ट्रीज नॉर्मली ब्लाइंड एंड बाइंड द सॉइल टूगेदर, जो रूट्स होते हैं वो नॉर्मली क्या करते हैं, सॉइल को बाइंड करके रखते हैं. बट इन देयर एब्सेंस द सॉइल इज वॉश अवे और इरोडेड, अगर रूट्स प्रेजेंट नहीं होंगे तो सॉइल क्या होगी, या तो डैमेज हो जाएगी या फिर वॉश अवे हो जाएगी, सॉइल इरोजन हो जाएगा. अब इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पैराग्राफ, यहाँ से हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे. ओके, एंड वन मोर थिंग, आप सबको जीके का पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है. तो जो जो चैप्टर्स उस पीडीएफ में भेजे जा रहे हैं उन्हीं चैप्टर्स को अच्छे से सब लोग प्रिपेयर कर लीजिएगा, उन्हीं चैप्टर से ही सबसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है. हाँ कृति मैम, साइंस में फाइल कौन से चैप्टर से बनी थी? जानब मैंने क्या बताया था साइंस के प्रोजेक्ट का? किसी ने नोट करा है साइंस के प्रोजेक्ट का मैंने क्या बताया था? मैम नोट किए, रुक जाइए बस एक सेकंड, देख के बता रहे हैं, जल्दी बताइए. मैम फाइल में रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म से है कुछ. रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, ठीक है. फाइल में आपको जो हमारा चैप्टर है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म वो प्रिपेयर करना है. चार्ट में मैम सॉइल प्रोफाइल है, चार्ट में हमारा सॉइल प्रोफाइल है, तो चार्ट का 1/4 पार्ट लीजिएगा, उसी में ही सॉइल प्रोफाइल बना दीजिएगा और उसके बारे में उसके जो हॉरिजन्स है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा. और मॉडल में मैम मॉडल में
रेन वाटर हार्वेस्टिंग है मैम, आपने कहा था कि चार्ट पेपर और मॉडल में हाँ वो और चार्ट ऑप्शन। में मॉडल में है रेन वाटर हार्वेस्टिंग, तो चार्ट या मॉडल दोनों में से सिर्फ एक चीज बनानी है। ओके कृति, यस या तो आप चार्ट बनाइएगा या तो फिर मॉडल बनाइएगा, और फाइल कंपलसरी है। ठीक है, ओके, यस, थैंक यू स्टूडेंट्स। थैंक यू मैम।